राजस्थान में लगातार बढ़ती दुष्कर्म की वारदात के खिलाफ आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। दोपहर 3 बजे जैसे ही एबीवीपी के कार्यकर्ता रैली निकाली, यूनिवर्सिटी के मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उन्हें मेन गेट पर बंद कर अंदर ही रोक दिया। इसके बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने गेट तोड़ बाहर आने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। इसके जवाब में यूनिवर्सिटी से कुछ छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीना ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। महिला हिंसा रेप की घटनाएं हर दिन अपने रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार के नेता अपराधियों को पकड़ने की जगह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। सरकार द्वारा चुनावी साल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बदनाम करने के लिए बेवजह जोधपुर मामले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का नाम लिया जा रहा है, जबकि हकीकत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का किसी भी आरोपी से कोई संबंध नहीं। लेकिन चुनावी फायदा लेने के लिए पुलिस प्रशासन भी सरकार के दबाव में झूठे आरोप लगाने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आज प्रदेश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शन रखा गया था। दोपहर 2:30 बजे से बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध मार्च निकालने पहुंचे थे। इसके बाद 3 बजे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जेएलएन मार्ग पर आने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने यूनिवर्सिटी का मेन गेट बंद कर दिया, जिससे नाराज होकर एबीवीपी के कार्यकर्ता गेट पर चढ़ गए और जबरन गेट के बाहर आने की कोशिश करने लगे, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया।